नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी उन दलितों के लिए किसी भी कीमत पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है जिन्होंने मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपना लिया है। इसको लेकर पार्टी पहले भी आधिकारिक तौर पर अपनी विचार रखती रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर इस मसले पर पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल साजिश के तहत ईसाई व मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित दलितों के लिए भी आरक्षण की मांग करते हैं, मगर संविधान में हिंदू, सिख व बौद्ध धर्मावलंबी दलितों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है। सुशील मोदी ने आरक्षण के संबंध में अन्य भी कई विषयों पर अपनी बात रखी। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने भाजपा महादलित प्रकोष्ठ की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में संत शिरोमणि रविदास महाराज की 644वीं जयंती के दौरान ये बातें कही। इस कार्यक्रम में मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा एससी एसटी की नौकरियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में भी नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका पुरजोर विरोध किया है। इसे सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच में भेजने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को हटाया तो सरकार ने संविधान में संशोधन कर उसे पुनर्स्थापित किया। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 नई धाराओं को जोड़कर उसे और भी कठोर बनाया गया। सुशील मोदी ने बताया कि एनडीए सरकार ने एससी समुदाय से 9500 विकास मित्र, 4842 ममता, 19232 टोला सेवकों की नियुक्ति की। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में एकल पदों पर 16% आरक्षण का प्रावधान किया, जबकि 15 साल तक बिहार में चली पति पत्नी की सरकार ने एकल पदों पर आरक्षण दिए बिना पंचायत का चुनाव करा लिया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि संत रविदास की वाणी से प्रेरणा लेते हुए हम सबों को समाज के आखिरी पैदान पर बैठे लोगों के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि दलित जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो बिहार के विपक्षी दल भाग जाते हैं। एनडीए सरकार दलितों के उत्थान के लिए काम कर रही है। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि संत रविदास ने दलित समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि संत रविदास ने सनातन संस्कृति को बढ़ाया। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने भी संबोधित किया। वहीं महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील राम ने कहा कि दलित परिवार के आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि वे शिक्षा ग्रहण करें। पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, सह संगठन महामंत्री शिव नारायण महतो, विधायक भागीरथी देवी, बथनाहा विधायक अनिल राम, दीघा विधायक व भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया, पूर्व विधायक बेबी देवी, कन्हैया रजवार, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के पूर्व सदस्य योगेंद्र पासवान भी उपस्थित थे। बताते चले कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे पर अपने इरादे स्पष्ट करती रही है और अब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी इस विषय पर पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन दलितों के लिए किसी भी कीमत पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है जिन्होंने मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपना लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।